हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने 40 फीट बाय 36 फीट प्लॉट के ऊपर 4 BHK क्रिएट किए और ये प्लान ईस्ट फेसिंग है, यानी पूर्व दिशा में आपका रोड रहेगा। और इस प्लान को मैंने वास्तु के अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश की है। तो चलिए देख लेते हैं इस ड्राइंग को। इस ड्राइंग में आपका एंट्रांस यहाँ से होगा और आपका घर का फर्श ज़मीन से 2.5 फीट की ऊँचाई पर है। आप चाहे तो इससे कम या ज़्यादा रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 5 राइजर दिए। ये 5 राइजर कवर करते ही आपको एक पोर्च मिलेगा और यहाँ पर एक डोर। इस पोर्च का साइज़ है 8 फीट 6 इंच बाय 6 फीट 1 इंच और इस डोर का साइज़ है 4 फीट। इस डोर से अंदर आते ही आपको ड्राइंग रूम मिलेगा। इस ड्राइंग रूम का साइज़ है 19 फीट 11 इंच बाय 13 फीट 2 इंच। इस ड्राइंग रूम में यहाँ पर मैंने सिटिंग एरिया दिए जो 5 यूज़र है और यहाँ पर है आपका TV यूनिट। इस ड्राइंग रूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर मैंने एक विंडो दिए। यहाँ पर आपका कोई डोर नहीं रहेगा तो वेंटिलेशन यहाँ से हो जाएगा। अब देखेंगे आपका फर्स्ट बेडरूम। आपका फर्स्ट बेडरूम का डोर यहाँ पर मिलेगा। इस डोर का साइज़ है 3 फीट और बेडरूम का साइज़ है 13 फीट बाई 11 फीट 1 इंच। इस बेडरूम में मैंने 2 विंडो दिए और ये दोनों विंडो ही 5 फीट का होगा। और इस बेडरूम के साथ मैंने एक अटैच टॉयलेट भी दिए। इस डोर का साइज़ है 2.5 फीट और टॉयलेट का साइज़ है 8 फीट 1 इंच बाई 4 फीट। अभी इस टॉयलेट से बाहर आते हैं। इस बेडरूम में आपका बेड दक्षिण दिशा में है और बेडरूम का डोर पूर्व दिशा में। अभी इस बेडरूम से बाहर आते हैं और देखते हैं आपका सेकेंड बेडरूम। आपका सेकेंड बेडरूम का डोर इस बेडरूम के पास यहाँ पर मिलेगा। इस डोर का साइज़ है 3 फीट और बेडरूम का साइज़ है 10 फीट 7 इंच बाई 11 फीट 1 इंच। इस बेडरूम में मैंने एक ही विंडो दिया है जो 4 फीट का होगा। और इस बेडरूम में आपका बेड और बेडरूम का डोर पूर्व दिशा में है। अभी इस बेडरूम से बाहर आते हैं और देखते हैं आपका थर्ड बेडरूम। आपका थर्ड बेडरूम का डोर यहाँ पर मिलेगा। इस डोर का साइज़ है 3 फीट और बेडरूम का साइज़ है 11 फीट बाई 10 फीट। इस बेडरूम में मैंने एक ही विंडो दिए जो 4 फीट का होगा। इस बेडरूम में आपका बेड पूर्व दिशा में है और बेडरूम का डोर पश्चिम दिशा में। और इस बेडरूम के साथ मैंने एक पोर्च भी दिए। इस डोर का साइज़ है 3 फीट और पोर्च का साइज़ है 10 फीट 4 इंच बाई 4 फीट। ये है आपका फोर्थ बेडरूम और ये पोर्च इस फोर्थ बेडरूम से भी कनेक्ट रहेगा। अभी इस पोर्च से बाहर आते हैं और इस बेडरूम से भी और देखते हैं आपका फोर्थ बेडरूम। इस बेडरूम से बाहर आते ही दाहिने तरफ आपको फोर्थ बेडरूम का डोर मिलेगा। इस डोर का साइज़ है 3 फीट और बेडरूम का साइज़ है 10 फीट 4 इंच बाई 12 फीट 6 इंच। इस बेडरूम में मैंने 2 विंडो दिए। ए विंडो आपका 5 फीट का होगा और ये विंडो आपका 3 फीट का। और इस बेडरूम में आपका बेड पूर्व दिशा में है और बेडरूम का डोर दक्षिण दिशा में। अभी इस बेडरूम से बाहर आते हैं और देखते हैं आपका किचन एंड डाइनिंग। इस बेडरूम के ऑपोजिट में यहाँ पर मिलेगा आपका डाइनिंग और यहाँ पर किचन। यहाँ पर रहेगा किचन का डोर। इस डोर का साइज़ है 3 फीट और किचन का साइज़ है 8 फीट 1 इंच बाई 10 फीट। इस किचन में आपका ओवन यहाँ पर रहेगा पूर्व दिशा में और बेसिन यहाँ पर। और यह है आपका किचन का वर्किंग एरिया। और इस किचन में यहाँ पर मैंने एक विंडो दिए जो 3 फीट का होगा। और इस किचन से बाहर आते ही सामने आपको मिलेगा डाइनिंग। इस डाइनिंग एरिया का साइज़ है 8 फीट 1 इंच बाई 8 फीट 9 इंच। ये डाइनिंग आपका 4 यूज़र है और यहाँ पर मैंने एक बेसिन दिया जिसे आप इस डाइनिंग से यूज़ कर सकेंगे। इस डाइनिंग एरिया में यहाँ पर मैंने एक विंडो दिए जो 4 फीट का होगा। अब इस डाइनिंग एरिया से बाहर आते हैं और देखते हैं आपका कॉमन टॉयलेट। आपका कॉमन टॉयलेट का डोर इस सिटिंग एरिया के पास यहाँ पर मिलेगा। इस डोर का साइज़ है 2.5 फीट और टॉयलेट का साइज़ है 4 फीट बाई 11 फीट 1 इंच। इस टॉयलेट में यहाँ पर मैंने एक वेंटिलेटर दिया है जो 2 फीट का रहेगा। अब इस टॉयलेट से बाहर आते हैं और देखते हैं आपका स्टेयर केस। आपका स्टेयर केस का आप यहाँ से होगा। यह है आपका फर्स्ट राइजर और यह राइजर 6 इंच का होगा। और यह फर्स्ट राइजर यहाँ से 3 फीट 6 इंच की दूरी पर स्टार्ट होगा। यहाँ पर टोटल आपका 22 राइजर है। तो आपका घर का हाइट होगा 11 फीट इस फर्श से लेकर छत के टॉप लेवल तक। इस स्टेयर केस के पास यहाँ पर आपको जो स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस का साइज़ है 6 फीट 5 इंच बाई 6 फीट 4 इंच। इस स्पेस को आप पूजा रूम या फिर स्टोर रूम बना सकते हैं। अभी यहाँ से बाहर आते हैं। अब देखेंगे इस ड्राइंग के सभी डायमेंशन। यहाँ पर मैंने इस ड्राइंग के सभी डायमेंशन दे दिए। आप देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।